जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टेड जीएस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके विगत वर्ष लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। और आपकी वैकेंसी जो है लेखपाल की परीक्षा 2021 में संभावित है और निश्चित रूप से परीक्षा 2021 में होनी है, क्योंकि यहाँ चुनाव का दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में 2022 में आपके विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा है आपकी 2021 में हर हाल में होनी ही होनी है। तो इस परीक्षा को नज़र में रखते हुए हम इंटरेस्टेड जीएस की तरफ से आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, और जिसका पहला पार्ट आपके सामने आज उपस्थित है। तो इसमें आपको 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके विगत वर्ष लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर रहा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो जो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है, आईपी एड्रेस, जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसी से ही इंटरनेट पर पहचान होती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से रहा कि टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इस सिद्धांत की खोज जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने इस सिद्धांत की खोज की थी। ये सब क्वेश्चन आपके विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लेखपाल के एग्जाम के लिहाज से होने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 आपका कुछ इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, मतलब इसका घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व जो है घटता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसमें, कि इसका घनत्व जो है घट जाता है। और आपको यह पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मॉडरेट लेवल का है। क्वेश्चन सीधा ना पूछ करके आपसे इंडायरेक्टली पूछ रहा है कि रेडियो तरंग का जो है वेग कितना होता है। तो जो आपकी प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है यही आपका सही होगा, जो कि आपकी प्रकाश की चाल होती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो उसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो उसका रंग जो है काला, ऑप्शन डी सही होगा, उसका रंग जो है काला दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, मतलब किस रंग में जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो जो आपका नीला रंग होता है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा होती है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले लेखपाल की परीक्षा के लिहाज से देखा जाए। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित की गई है। तो अनुच्छेद आपका जो है 343 के अंतर्गत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सिविल सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो गोवा। जी हां दोस्तों, गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और यह प्रश्न आपका जो है पीटी के एग्जाम में इस बार पूछा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका अनुच्छेद 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आपकी आपका यह क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपकी राजस्व लेखपाल 2015 परीक्षा जो परीक्षा है 2015 में यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 10 है कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद आपका 315, ऑप्शन डी सही होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लेखपाल के लिहाज से देखा जाए तो। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, मतलब कौन सी थी। तो मीरा साहेब फातिमा बीबी जो हैं वो आपकी प्रथम महिला उच्च न्यायालय जो कि जज थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश महिला के रूप में कोई भी बना नहीं है। अब चलते हैं आपके हम प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे। तो प्रथम दो राज्य जो थे आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो थे आपके, उन्होंने पहले आपके सर्वप्रथम दो राज्य ही हैं।
चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र एवं राज्य के बीच मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो जो आपका अनुच्छेद 91 है, 91वां अनुच्छेद यह सीमित करता है। प्रश्न नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल मतलब कार्यभार नहीं संभाला है। तो जो आपके इसमें हैं बीपी सिंह, ऑप्शन बी जो है आपके बीपी सिंह, ऑप्शन सी इसमें समझ लीजिए, ऑप्शन सी बीपी सिंह जी ने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल आपका संभाला नहीं, बाकी आपके तीनों उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका, प्रश्न नंबर 15 आपका है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया है। तो स्वर्ण सिंह समिति जो आप थी, आपकी थी 1976, इसी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, जो कि आपका शामिल हुआ था किसमें, 51 का में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आखिरी अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, मतलब कि जब शुरुआती संविधान था उसमें महिला सदस्य कितनी थी। तो ऑप्शन सी 15 महिला सदस्य थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।